हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक सीट मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये मास्क बहुत ही अच्छा है और ये गुड वाइब्स का है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मेरे पास टू थे तो मैंने एक अपनी सिस्टर को दे दिया है, और मतलब अभी मुझे और भी बाय करने हैं लेकिन अभी मैं कर नहीं रही हूँ, तो मैं कर लूँगी बहुत जल्दी। लेकिन जब मैं सारा सामान इकट्ठा भी करती जा रही हूँ, लिस्ट बनाती जा रही हूँ, जब लिस्ट मेरी सारी बन के तैयार हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, तब मैं बहुत सारी चीज़ों को परचेस करने वाली हूँ, मतलब मंगा लूँगी। मैं कॉल आएगा, वो वीडियो कॉल आएगा आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मास्क है और मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, बहुत ही माइल्ड सी है, हल्की हल्की सी है। और ये मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, ये है टी ट्री क्लिंजिंग सीट मास्क है ये। अभी मैं इसका रिव्यू में दिखाऊंगी आपको करके, मतलब क्या क्या है इसमें, कैसा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको ये किस लिए आपको करना चाहिए और किस लिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो उसके लिए बेस्ट है ये सीट मास्क। आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए तो उसके लिए अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए इस तरह के सीट मास्क वगैरह। और भी मैंने सीट मास्क का रिव्यू किया हुआ है, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का हाँ इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है वो वीडियो, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। आप मेरा नाम लिखकर और आप सीट मास्क डालेंगे तो, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट डालेंगे तो सीट मास्क आ जाएगा, उसका वो वाला वीडियो आपके पास आ जाएगा, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा वहां से। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको कि आप लोग देख पाए। और मेरे फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई मैंने नहीं किया है, बस एक लिप बाम मैंने लगाई है, इतना ही है। मैं ज़्यादा नहीं मेकअप किया है क्योंकि मुझे अप्लाई करना है सीट मास्क, तो मैं इसका जल्दी से रिव्यू कर लेती हूँ। और मेरा फेस आप लोग देख ही रहे होंगे, और यहाँ पर मेरा मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लो करता है मेरा फेस, ये आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के कोई पैसे नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ही बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक उंगली ही उस पर टच करनी है सिर्फ अपने मोबाइल पर, और सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके साथ ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी हिट करिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का पहुंच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से इसका रिव्यू देख लीजिए और डेमो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है सीट मास्क गुड वाइब्स का, और ये है आपको टी ट्री क्लेंजिंग सीट मास्क है। ये नेट वेट इसका 20 ml है, और ये बहुत ही सिंपल वे है। अगर आप इस पे सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया था, ओपन करके मैंने देख लिया कि ये किस तरह का है और कैसा है, तो मैंने ओपन कर लिया था। और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 99 rupees का है। आपको इसकी सेल्फ लाइफ 3 years मिल जाएगी। अगर आप अभी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब समर में यूज़ कर लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो समर में यूज़ कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो इसको मत यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो भी आप इसको मत ट्राई कीजिएगा, समर्स में तो बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए। ये मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप इसको यूज़ मत करिए,
क्योंकि समर्स में और ज़्यादा आपको पिंपल्स हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ यूज़ करने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें कस्टमर केयर का नंबर भी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हैं उन लोगों से। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। देख लिया आप लोगों ने। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन है टी ट्री, बिकॉज बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, आपकी स्किन को रीजनरेट करती है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, ग्लोई करती है, और इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें टी ट्री में, और बहुत ही अच्छा होता है ये, ब्लेमिशेस को भी दूर करता है टी ट्री ऑयल, मतलब ऑयल एंटी एजिंग का भी काम करता है, तो और बहुत ही अच्छी सी यूज़ करने वाली चीज़ें होती है ये सारी। और आपको टी ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, टी ट्री ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, समर्स में कम यूज़ करिए, लेकिन आप उसको पैक में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका फेस वॉश ले सकते हो, टी ट्री ऑयल जिसमें होता है वो आप ले सकते हैं, तो आपकी ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी स्किन के लिए। और ये देखिए, मैं सब कुछ आपको मेंशन कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या है, स्किन एंड इनहेंस इट्स लुक आफ्टर ऑल इन लाइफ, बहुत ही अच्छी सी स्किन आपकी इससे अच्छी हो जाएगी, और ग्लोइंग ग्लो भी आ जाएगा। गुड वाइब्स की ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बेनिफिट देती हैं। मैं गुड वाइब्स की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए, मतलब अभी तो हेयर का क्रीम भी आ गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मैंने इसको ओपन कर लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें सीरम भरा हुआ है। इसको ओपन आपको बहुत अच्छे से केयरफुली करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको अच्छे से धीरे धीरे से ही ओपन करना है इसको। पहले आप इसको देख लीजिए किस तरह से ओपन होगा, फिर आप इसको ओपन कर सकते हो। सीरम इसमें बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, और इसकी फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग है, ओपन भी नहीं हो रहा ये। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मेरे 20 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और मैं इसको अभी रख दूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीरम है। ये देखिए, आपका जितना भी सीरम है ना, उसको आप अच्छे से इसको पहले इस अच्छे से मसाज कर लीजिए अपने फेस पर, मैं इसको रख देती हूँ। और ऐसे ही मसाज कर लेनी है आपको, जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, आपकी स्किन में अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, जब ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा ऑब्जर्व, तो बहुत अच्छे से आपको इससे अच्छा लगेगा। और ठंडा ठंडा बहुत लग रहा है, क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑन कर रखा है और एसी में ऑन है, तो एसी ऑन की वजह से मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उसे 3 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही मसाज कर लीजिए अपनी स्किन पर, और फिर आप इसको आप ऐसे ही सो जाइए। नाइट में लगाना है तो आप इसको ऐसे ही लगाकर सो सकते हो, इसको धोना बिल्कुल नहीं है आपको।
तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने अपने फेस पर मसाज कर ली है और ये देखिए मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है, सारा ऑब्जर्वेशन हो गया है, मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो गया, अच्छे से चला गया है स्किन में, जितने भी छेद वगैरह होते हैं, मतलब आपके ओपन पोर्स होते हैं उनमें अच्छे से बैठ गया है ये सीरम। और अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं प्लीज़, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो जब भी आप कुछ भी देख रहे हैं, किसी का ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, चाहे वीडियो देख रहे हो या फिर मतलब अगर आप किसी लेडीज़ मतलब किसी गर्ल का देख रहे हैं वीडियो और आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं और दूसरों की बात कर रही हूँ, अपनी ही नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अच्छा लगे उनको भी और पसंद करें उन्हें, तो यही मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से कि आप लाइक कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है चीज़ों, मतलब जो वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसको भी देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, love you all.